गोरिया है क्या? आफत है, छोड़ो। सुना है तेरे छोटे बेटे को फिर बेटी हुई है? अरे जब सुन लिया तो गीत काय को गाती फिरती है? मेरी छोटी बहू के चार बेटियां है, इसलिए ताना मारती है क्या? पहलो बेटी हुई तो कहूँ नहीं। अरे भाई तो मौका मिलता है लड़े क्यों है? लड़ू क्यों नहीं, मैं तुम लोग खुद अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ राम राम, कैसी लड़ोकड़ी बुढ़िया है, अच्छा हुआ जो बेटी हुई। राजपूतों के घर में बेटियां पालना कोई हंसी खेल है। अब भोगो मरो। सारी शाम क्या कागज पत्रों में गुजार दोगे? अरे मुकदमा है ना, सारे कागज पांगड़े संभाल कर शहर जाना है। क्यों रे संतू? क्या है माँ? तू चार चार बेटियों का बाप हो गया फिर भी तुझे कोई होश नहीं? अरे गली मोहल्ले में तेरी ही बातें होती रहती है, तू गांव का सरपंच है, कुछ तो शर्म कर। माँ अब इन सब को रोकना मुखिया का काम नहीं है। अरे ये सब तो भगवान की देन है, वो सब सहना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तुम सब चुप रहो, फिर जो कुछ करना है मैं ही करूंगी। हाँ लोगों की बातों को इतना सुनती क्यों? चुप कर रहे, लोग बोलेंगे तो सुनूंगी नहीं, कानों में पर्दा लगा लूंगी। माँ संतू की ये बिटिया सबसे सुंदर है, मानो कमल का फूल, इसका नाम पद्मणी रख दे। तेरे को तो सभी पद्मणी लगे, दो तेरी और चार संतू की। अरे इन छह छह पद्मणियों के लिए छह छह भीमसिंह कहां से लाओगे? सब मूड़मान बिक जाएंगे। हाँ क्यों बार बार छह छह बेटियों का ताना देती है? तो दुनिया बोले सो बोले, हमारी बेटियां हम संभालेंगे। सच पद्मणी भाई दिखे रानी पद्मणी बनेगी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। अरे बेटा सांझ ढल गई, मेरे अफीम का पानी लिया, कब तो लाएगी और कब पीऊंगी। हाँ बेटा। अरे दादी ये अफीम का पानी तो ढेर है, इसे रोज रोज क्यों पीती हो? मेरे लिए तो दवा है बेटा। तो तुमने ही तो कहानी सुनाई थी, राजकन्या को दूध में अफीम डालकर मार दिया था, है ना दादी? क्यों उसे ढेर देकर मारा था? और क्यों, राजकुमारी है तो क्या, है तो लड़की का बोझ ही ना। राजपूतों के घर में ज्यादा बेटियों का होना बाप के लिए कितने शर्म की बात है। बाप राजा हो तो भी उसे सर तो झुकाना ही पड़ता है ना। क्या करती है? ओहो हे भगवान, मैं मारूंगी। हाँ संतू आए दादा भाई। आओ मेरे लिए गुड़िया लेके आना। लाऊंगा बेटी। मेरे लिए चूल्हा चक्की लाना। सब याद है बेटी। अच्छा अब बार बार याद कराने की जरूरत नहीं। तुम दोनों ही शहर जा रहे हो? अब पुलिस में अफसर हूँ ना मां, कवायद के लिए बुलावा आया है, अब जाना तो होगा ही, और संतू को तो मुकदमे के लिए जाना है, अब छोड़ा तो कोई भी नहीं जा सकता ना। भैया को जरूर 10-5 दिन लग सकते हैं, लेकिन मैं तो मुकदमा निपटाया और बापू से मिलकर 2-4 दिन में ये वापिस आ जाऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छा और हमारी पद्मनी के लिए क्या लाऊंगा? इसके लिए झुनझुना लाऊंगा, बस माँ इसकी याद सबसे ज्यादा सताएगी। अच्छा माँ चलते हैं। अच्छा माँ अच्छा आओ दादा बेटा जी चलो भैया सुन तो बच्ची को अंदर ले जाओ माँ। नहीं इसे यहीं रहने दे। हवा बहुत जोर की चल रही है और चारों ओर बीमारी भी फैली हुई है। हमारे घर में कोई बीमारी नहीं घुसती, अगर घुसती होती तो इतनी जाने ऐसे ही ना टिकी होती। देख इसका बदन गर्म है, इसको कहीं ताप तो नहीं है?
अगर है तो मैं इसे थोड़ा सा अफीम का पानी पिला ही देती हूँ। ठीक है माँ, बिल्कुल ठीक है। नहीं बिल्कुल ठीक कैसे है, बेटा ही तो दवा है, कोई हर्जा नहीं है, पीने दे। कुछ हो गया तो माँ? अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा, इसके बाप को इतना बड़ा कर दिया, तू कल की छोकरी मुझे अकल सिखा रही है, कुछ नहीं होगा, पीने दे। रानी रानी बेटी। कहाँ हो तुम सब लोग, गोदावरी बसंती जगह पकवाने के लिए झुंझुना लाया हूं मैं, अरे जल्दी आओ। पद्मनी कहाँ? चोरी कब गुजरी? 5 दिन हो गए, थोड़ा सा ताप चला बस। क्यों दवा नहीं दी थी? आप और मैं तो शहर गए हुए थे, दवाई कौन लाता, माँ ने थोड़ी सी अफीम घोल कर पिला दी, उसके बाद सुला दिया, सोई सोती रह गई। तो 6 बेटियों की चिंता नहीं है ना तुझे? अरे राम जी ने दी थी, उसी ने वापस ले ली। हाँ उसी ने वापस ले ली, पर तूने भी तफीम कुछ ज्यादा ही पिलाई थी, क्यों? अरे कैसी बातें करता है तू, तू जब छोटा था बीमार पड़ता था तब तुझे अफीम नहीं पिलाई? हाँ पिलाई तो थी, लेकिन 6 बेटियां देखकर अफीम कुछ ज्यादा ही दे दी। छी। बेटी का बाप, राजस्थान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई नारी जीवन की दुखद परिणाम की इस मर्मस्पर्शी कहानी की लेखिका हैं ज्योतिर्मयी देवी। 100 साल पहले सन 1894 में उनका जन्म हुआ। उस युग की इस बलिष्ठ बंगाली लेखिका का सामाजिक दायित्व बोध, नारी के प्रति दर्द और दुखद नारी समाज की बेड़ियों को तोड़ने की दृढ़ मानसिकता आज के पाठकों को विस्मित करती है। उस जमाने में एक महान लेखिका के रूप में ज्योतिर्मयी देवी का आत्म प्रकाश एवं खुद को प्रतिष्ठित करना स्मरणीय है। ज्योतिर्मयी देवी का जन्म राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था। इन्हीं घर की दीवारें उनकी जन्म स्तुतियों को अपने अंदर संजोई प्रतीत होती है। उनके दादा श्री संसार चंद्र सेन जयपुर दरबार में उच्च प्रशासनिक पद पर आसीन थे। उनके पिता दीवान अविनाश चंद्र सेन और माता सरला देवी। बंगाल तथा राजस्थानी संस्कृति एवं परंपराओं का अद्भुत संमिश्रण था उनके परिवार में, जिससे ज्योतिर्मयी देवी की मानसिकता और भी विस्तृत हुई। जब वो 10 साल की थी और बड़ी बहन तब 11.5-12 से की थी, दोनों की शादी एक साथ हो गई और जयपुर में वो जो 10-12 साल में जो कुछ शिक्षा उनको मिली वो शिक्षा जयपुर के लाइब्रेरी में, संसार चंद्र सेन जी उनके नाना थे, उनके लाइब्रेरी में जो किताबें थे और जो लाइब्रेरी का जो किताबें बाहर से आती थी, मैगजीन्स आती थी, वो बहुत ही, दो बहन उनके ऊपर ही जिम्मेवारी थी कि वो सजा के रखे, इसलिए उनको पढ़ने का बहुत मौका मिला। मगर 10-12 के बाद और कोई लड़की को पहने और ज़्यादा पढ़ने का कोई मौका नहीं मिलती थी, इसलिए जब उनकी शादी की ठीक हुई तब कलकत्ता आना पड़ा, क्योंकि कलकत्ते से ही सब पात्रों को मिलता था। और मेरी माँ की जो शादी हुई उनके पति मेरे पिताजी
किरण चंद्र सेन थे गुप्तीपाड़ा के। गुप्तीपाड़ा में हमारा जो पिताजी का मकान है ना, वो तो बहुत बड़ा मकान है और बहुत दिन का है। वो कीर्ति चंद्र सेन के समय से जो मकान बनी थी उसमें ही वो आके ठहरी। बचपन में शादी हो जाने के बाद असर तो पड़ता ही था कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। उनको तब ससुराल के लिए तैयारी की जाती है, तब उनको भोजन पकाना, फिर उनको किस्ते किस्ते परोसना, बड़े के साथ कैसे बातचीत करना, भागना दौड़ना नहीं, खेल कूद मत करना, ये सब शासन उनके ऊपर आ जाती थी। मगर उस शासन होते हुए भी पिताजी के घर में उनके पास काफ़ी ये थे, जिसको कहते हैं आपको फ्रीडम थी। वो फ्रीडम होते हुए वो पढ़ती थी, लिखती थी और पति के पास भी चित्र पत्र लिखती थी, अंग्रेजी भी उन्हें सिखाया गया, और एकदम अशिक्षित नहीं थी। मगर उनको ससुराल में आके जब गए बांकीपुर में पटना में, जहाँ पर मेरे पिताजी एडवोकेट थे, तो वहाँ पर आके जब उन्होंने अपना संसार में आई, तब उनके ससुर, सास और मेरे पिता और घर में एक देवर थे, यही सब उनके साथ रहे। मगर पढ़ने का मौका उनका मिला, क्योंकि मेरे पिताजी उनको रात को इंग्लिश पढ़ाते थे, और जहाँ पर उधर कुछ कागज़ निकलता था, अखबार निकलता था, वो संवाद पत्र आता था और वो भी पढ़ती थी। इसलिए मैं कह नहीं कहूँगी कि वो बंदिनी थी, उनके पास पढ़ने का मौका था। और जो संग्राम होता था उस समय, उस जमाने में, उसमें भी वो कभी कभी भाग ले सकती थी। 1999 से 18 तक ये 9-10 साल के बीच में हम 6 भाई बहन, और सबसे छोटी जो थी वो 3 महीना जब थी तब मेरे पिताजी का देहांत हुआ। पिताजी का देहांत होने के कारण उस समय वॉर फीवर, प्रथम महायुद्ध था, वो चलता रहा 14 से 18 तक, और 18 में वॉर फीवर हुआ। सारा दुनिया में भी वॉर फीवर का असर पड़ा। उसमें पटना में बांकीपुर में बहुत लोग का गुजर गए, उसके साथ साथ मेरे पिताजी भी गुजर गए। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही वैधव्य के मनहूस बोझ को साथ लिए वे अपने मायके जयपुर लौट आई। तब तक वो 6 बच्चों की मां बन चुकी थी। उस भयानक अकेलेपन का सामना उन्होंने बड़ी ही सुदृढ़ता से किया। अचानक पति के विछोह से उत्पन्न शून्यता ने उनके अंदर छिपी लेखिका को जगाया, और लेख ने ही उन्हें मानसिक संतोष के साथ नवजीवन प्रदान करते हुए मुक्ति का रास्ता दिखाया। सन 1922 में बंगाल की अग्रणी पत्रिका भारतवर्ष में उनकी पहली कविता छपी। फिर वे एक के बाद एक कहानियां, उपन्यास, कविताएं, भ्रमण वृत्तांत और व्यंग रचनाएं लिखती रहीं। उनकी रचनाओं के प्रकाशन ने साहित्यिकों, लेखकों तथा पाठकों में हलचल मचा दी। इन ज्योतिर्मयी देवी, आई फाइंड यू नो हर राइटिंग वाज मेनली सेरिब्रल। शी हैड ए थिंकिंग माइंड, वेरी कॉन्शियस, वेरी अलर्ट। शी वाज